अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद हैदर हुसैन जस न्यूज़ से। शहर हैदराबाद में पुराना पुल पर एक गोदाम में अचानक आग लग गई। वहां के एरिया कॉरपोरेटर मित्र कृष्णा साहब ने मुकाम का जायजा लिया और उन्होंने सारे वाकये का सूरत हाल भी बताया। चलिए सुनते हैं। बाईपास रोड पे जो बहुत दिनों से जो डंपिंग जो कचरा जो लोगों का है उस पर छोटा सा शॉर्ट सर्कुट की वजह से थोड़ा बहुत बर्न स्टार्ट होके देखते देखते ही पूरा आग लग गया। तो इमीडिएटली फायर इंजन डिपार्टमेंट एंड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट इमीडिएटली वहाँ पर पहुँच के नियरली 2 घंटे की मेहनत के बाद वो पूरा कम्प्लीट हो चुका है। अभी नियरली 99% पूरा क्लियर हो चुका है। ये जो हुआ ये 2 वायरों का जो हवा आने से वो थोड़ा बहुत 11 kV के वायरों वो थोड़ा जॉइंट होने की वजह से उसका जो ड्राप आके वो उस पर गिरने से वजह से जो ओल्ड जो रबर का मटेरियल वहाँ पर डंप होने की वजह से ये बर्निंग हुआ। इमीडिएटली डिपार्टमेंट वाले आके उसको अपना पूरा अपना वाटर वर्क वाले पूरे लोग आने की वजह से ये पूरा कवर हो गया। प्लीज वीरेंद्र रेड्डी, तो अभी तो फिलहाल तो पूरा कंट्रोल में है। अब 2 फायर इंजन आ चुके हैं। वाटर वर्क डिपार्टमेंट पूरे जने मिलके इसको अपने कब्जे में लेके पूरा क्लियर करे। कोई किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल वो बर्न हुआ। इमीडिएटली अपने फायर इंजन ऑफिसर आके इसको कंट्रोल में लेंगे। धन्यवाद।